नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तो ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस में कारागार में हुआ। गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन बीता और फिर किशोर अवस्था में वे मथुरा में रहकर कंस वध के बाद जरासंघ से युद्ध करते रहे। बाद में उन्होंने प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसी उजाड़ नगरी पुष्यस्थली पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया और वे वहाँ रहने लगे। प्रवास क्षेत्र में ही उन्होंने देह त्याग दिया था। बताया जाता है कि इस नगरी में हिरण्य सरस्वती तथा कपिला के संगम पर भी बात की जाती है। इसे प्राचीन त्रिवेणी भी कहते हैं, इसे बालिका तीर्थ भी कहते हैं। आइए जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी और वो प्रतिदिन क्या करते थे। तो कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते थे। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते थे। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वर धाम में विश्राम करते थे। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते थे। इस दौरान प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। जो भी भक्त उन्हें पुकारता है वे वहाँ तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु अपने सभी प्रमुख धाम की आरती भी ग्रहण करते हैं। समय समय पर प्रभु वृंदावन के विधिवन और मधुवन के में रास भी करते हैं, वहाँ के मंदिर में भ्रमण भी करते हैं। तो दोस्तों, बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये दिनचर्या है जो वो रोज़ ही अपनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी खास और धार्मिक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।